सो क्रेडी पीपल, आप यही सोच रहे होंगे मैंने भी अमरनाथ जाना था तो मैं गया, क्योंकि अभी मैंने स्टोरीज भी डाली थी इंस्टाग्राम पे। 23 जुलाई की मेरी ट्रेन थी और 26 का मेरा परमिट था पहलगांव का, जिनके साथ मैं जा रहा था। टोटल हम 10 बंदे जा रहे थे यहाँ दिल्ली से। तो हुआ ऐसा, अभी रिसेंटली आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि अमरनाथ जी का जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, 98% मेल्ट हो गया था। 21 समथिंग को न्यूज़ आ गई थी। एक्चुअली मेरा जो हमारा ग्रुप बना हुआ था जाने वाला, तो सब लोगों का मैसेज आ गया कि हम नहीं जा रहे बिकॉज कि शिवलिंग मेल्ट हो गया। तो बट तब भी तक मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, उनका तब भी प्लान था कि हाँ भाई तब भी हम चलेंगे, कोई बात नहीं देखा जाएगा। तो मेरा भी मन था ही जाने का, तब भी मैंने भी हार नहीं मानी थी कि मैंने सोचा था जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या हुआ, बाकी हमारे 10 बंदों में से 8 बंदों का ग्रुप पूरा कैंसिल हो गया, या 8 बंदे नहीं जा रहे थे। ऑलमोस्ट मैं और मेरा एक जो फ्रेंड है वो रह गया था। तो देन हमने फिर भी डिसाइड किया था कि जाएंगे। फिर आखिरी में जो मेरा फ्रेंड था उनका भी मन डामाडोल हो गया। उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया कि जैसे तुम अभी इतना चढ़ाई करके जा रहे हो, अराउंड 50 किलोमीटर्स का तुम ट्रैक करोगे पूरा, उसके बाद जिस चीज़ मेन चीज़ के लिए देखने जा रहे हो, कि अगर तुम्हें वो ही ना देखने मिले तो रस्ते में ना तुम्हें मोटिवेशन आए। एक्चुअली ये चीज़ मेरे भी माइंड में आ रही थी, पर तब भी मैं जिद पे था कि मैंने कहा जाना है। तो इससे पहले क्लाउड बस्ट भी आ गया था, आई नो थोड़ी सी रुकावटें आ रही थी, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से ड्रीम था अमरनाथ का ट्रैक करने का, पूरा बाबा बर्फानी के दर्शन करने का। बट जैसा कि ये सिनेरियो मैंने आपको बताया कि 8 लोग नहीं जा रहे थे, मेरा जो फ्रेंड और मैं, हमने फिर भी आखिरी में डिसाइड किया कि हम जाएंगे जाएंगे। फिर आखिरी में उनका भी मन डामाडोल हो गया, तो इस चक्कर में फिर मैंने भी ये चीज सोचा, मैंने कहा रास्ते में मोटिवेशन ही नहीं होगी कि ऊपर जाके कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, फिर क्या फायदा। मैंने देखा मैं सब कुछ क्लियर था, सब कुछ टेस्ट वगैरह, शायद बाबा की मर्जी नहीं थी अभी मेरा जाना पॉसिबल वहां पर नहीं था, कि अभी वो नहीं चाहते होंगे कि मैं आऊं, क्योंकि काफी सारी रुकावटें आने के बाद भी फिर इतनी बड़ी आ गई कि पूरा का पूरा शिवलिंग मेल्ट हो गया। तो देन हमने प्लान ड्रॉप कर दिया जाने का। मैंने कहा एक बार इंस्टा फैमिली को पता होना चाहिए, एटलीस्ट जो अमरनाथ वाली सीरीज थी, मैंने काफी सारा इसका शूट भी कर रखा था, इसका प्री प्रिपरेशन जो आपको दिखाता हूँ, काफी मेरे बैकपैक वगैरह सब कुछ, मेरा पूरा प्रॉपर प्लान था जाने का, सब कुछ मैंने ऑर्डर कर रखा था। इसके अंदर पूरा मेरा लगेज है, ट्रैक पैंट वगैरह एवरीथिंग, वो जो सारा मैंने इक्विपमेंट्स वगैरह लिए हैं, कहाँ कहाँ से क्या कैसे लिया, वो व्लॉग मैं डालूंगा ही डालूंगा। बट यू डोंट वरी अबाउट दैट, अमरनाथ की सीरीज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं फिर भी ट्राई करूंगा जाने का। बीइंग अ ट्रैवलर तो मेरे से रुका तो गया नहीं, अभी मैंने एक और रिसेंटली प्लान बनाया, देन मैंने कहा कोई नहीं, बाबा ने वहां नहीं बुलाया तो फिर बाबा के दूसरे किसी दरबार में चले जाते हैं। तो देन मैंने डिसाइड किया है एक और जगह है, अभी मैं उसको फाइनलाइज कर रहा हूँ, जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। वो ट्रिप भी महादेव की 5 सबसे मशहूर जगहों में से एक ट्रिप होने वाली है, तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मे बी ये सोलो ट्रिप होने वाली है या फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ ही जाऊंगा, देखता हूँ जैसा कुछ सिनेरियो होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। 2-3 लोगों ने मेरे से पूछा भी आपके यार गए नहीं अमरनाथ, आपने जाना था, तो मैंने कहा इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी बनाकर डाल दी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग।